So today we are here to discuss about some of the important topics which are asking in the MNS exams. As we know that ki jo MNS ka exam hai, basically yahan pe biology ka jo basically portion hota hai, that biology portion is bahut important bhi hai aur kam se kam 30 se 35 question tak puche jaate hain MNS exams ke andar. So agar hum baat karein the case of biology mein ki syllabus ke regarding baat karein agar hum log, to syllabus ka jo pattern hai basically kafi complicated hai actually mein. कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है जनरली कि जो सिलेबस का जो पोर्शन है वो डिटरमाइन नहीं है. डिटरमिनेशन इन द मीन्स कि आपको कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है ये ज़्यादा सिलेबस में बताया नहीं गया है. जो नोटिफिकेशन जनरली पब्लिश होते हैं इसके, बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हम लोग बता सकते हैं कि यस आपके कौन से टॉपिक्स उठाने हैं जहाँ से मैक्सिमम एमएनएस के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आप लोगों के लिए. ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेसिकली जो फर्स्ट टॉपिक पूछा जाता है बहुत ज़्यादा आस्किंग है, दैट इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन. कि जो रिप्रोडक्शन टॉपिक है ये एक टॉपिक दिया गया और आपको इसके बारे में पढ़ना है. तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बेसिकली कि रिप्रोडक्शन में इन द बायोलॉजी सेक्शन दो आते हैं. द वन इज अबाउट द प्लांट रिप्रोडक्शन एंड द एनिमल रिप्रोडक्शन. कि प्लांट में और एनिमल में रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली वो कैसे होता है. लास्ट ईयर अगर हम एमएनएस की बात करें बेसिकली तो वहाँ पे हमने क्या देखा हुआ है कि एनिमल रिप्रोडक्शन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बेसिकली 5 से लेके 6 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए थे सिर्फ एक टॉपिक से ही. द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम देखें वहाँ पे तो फ्रॉम द ह्यूमन रिप्रोडक्शन या एनिमल की अगर हम बात करते तो वहीं से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बिल्डअप हो रखे थे. सो इन दिस ईयर देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज दैट कि आपके प्लांट रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बिल्डअप होंगे. क्योंकि एमएनएस के एग्जाम में क्या होता है जनरली एक पैटर्न देखा जाता है कि प्लांट से और एनिमल के बीच में कंपैरेटिव कुछ पेपर बनते हैं. तो अगर एक साल अगर पेपर आपका एनिमल के ऊपर अगर बन जाता है तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है प्लांट के बेस पे बनता है. तो आपको फर्स्ट टॉपिक जो तैयार करना है इस बार जो आपको पॉइंट ऑफ कंसर्न रखना है याद करना है जो बेसिकली वो प्लांट रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ना है. अब मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि यहाँ पे प्लांट के बारे में पढ़े एनिमल छोड़ दीजिए. नो, एनिमल भी पढ़ना, बट मेन फोकस प्लांट के बारे में रखना है पहली चीज. ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें द केस ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इट इज अबाउट द साइटोलॉजी. द सेकंड मोस्ट आस्किंग टॉपिक इन द एमएनएस एग्जाम. अब साइटोलॉजी में अगर आप देखो तो 2 चैप्टर यहां पर दिए जाते हैं, दैट इज अबाउट द चैप्टर सेल. ठीक है, और सेकेंड चैप्टर जो यहां से आता है इट इज अबाउट द सेल साइकिल एंड डिविजन. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या देखा जाता है बेसिकली कि जो आपका चैप्टर सेल है और जो चैप्टर तो सेल साइकिल सेल डिविजन होता है बेसिकली यहाँ पे क्या देखा जाता है कि यहाँ से भी लगभग आपके 2 से लेके 4 क्वेश्चंस हर साल बनते हैं. इन ईच ईयर अगर हम देखें तो यस वी हैव दैट कि यस यहाँ पे क्या होता है 2 से लेके 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं. सो 2 टॉपिक हो गया आपके. साइटोलॉजी में देखें तो हमारे पास 2 चैप्टर हैं और मोस्ट आस्किंग दिस चैप्टर द चैप्टर सेल. कि आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करना होता है पढ़ना होता है बिकॉज क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि किसी सेल का फंक्शन क्या होता है, उसमें जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है. ठीक है, उसको किसने डिस्कवर किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. तो आपको यहाँ पर लर्निंग पोर्शन काफ़ी होता है. यू हैव टू लर्न अबाउट द फैक्चुअल थिंग्स कि जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, डिस्कवरीज, डिस्कवरर्स, फंक्शन, ये आपको बस यहाँ से लर्न करना है. ठीक है, अगर हम बात करें हमारे थर्ड टॉपिक के लिए कि हमारा तीसरा टॉपिक क्या होता है जहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. एज वी नो डैट कि वी आर गोइंग फॉर द नर्सिंग, हम नर्सिंग के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको डिजीज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि नर्सिंग इज अ फील्ड ऑफ मेडिकल फील्ड. तो ऑब्वियसली बात है मेडिकल के बारे में, डिजीज के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए जनरली कि यस जनरली कौन से पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं. तो एक चैप्टर दिया गया आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एंड इसके साथ साथ प्लस आपका एक ये टॉपिक और है माइक्रोब्स के बारे में कि जो माइक्रोब्स हैं बेसिकली द माइक्रोब्स आर हाउ यूजफुल टू अस. ठीक है, कि ये हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल होते हैं जनरली आपको इसके बारे में तैयारी करना होती है. यहाँ पे क्या देखा जाता है जनरली फ्रॉम दीज 2 टॉपिक्स वी हैव ऑलमोस्ट अबाउट 2 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं. काफ़ी ज़्यादा वेटेज अगर हम देखें तो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कि कौन से पैथोजेंस हैं, वो क्या डिजीज कॉज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखी जाती है कि उसका सिम्टम क्या आता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड सबने सुना है कॉमन डिजीज है, तो टाइफाइड को कॉज करने का पैथोजन कौन है. तो साल्मोनेला टाइफमोरियम होता है बेसिकली. अगर ये साल्मोनेला बॉडी में जाएगा तो डिजीज के सिम्टम क्या आएंगे, तो हाई फीवर होता है. ठीक है ना, इसके साथ साथ स्टमक एक होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं.
इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन द विडाल टाइप। तो जनरली क्या होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन आपके यहाँ से, और माइक्रोब जो है वो कैसे हमारे लिए यूजफुल है, कि कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से ऐसे फंगस हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद है, फर्मेंटेशन करना है या कुछ भी करना है अगर, तो वहाँ से क्वेश्चन बिल्डअप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे बिल्डअप हुए। फोर्थ टॉपिक की अगर हम बात करें, बेसिकली यहाँ पे क्या देखा जाता है आपका, जेनेटिक्स के रिगार्डिंग, द ब्रॉड टर्म गिवन इन द एमएनएस एग्जाम सिलेबस, जेनेटिक्स। और एक्चुअली में यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो आपका इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है, चैप्टर इनहेरिटेंस अलोंग विद द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चों, कि आपका यहाँ पर इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग। अगर हम देखें यहाँ से भी जो वेटेज है, ऑलमोस्ट अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस का है जो क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके हैं। इसके साथ अगर हम देखें द वेरी इंपॉर्टेंट वन, द लास्ट चैप्टर जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ टॉपिक, इट इज अबाउट द फिफ्थ वन जो है आपका इवोल्यूशन एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है बच्चों, कि जो हमारा इवोल्यूशन है, जो मॉर्फोलॉजी, इन दोनों को अगर हम असेंबल करते हैं एक साथ अगर हम देखें, तो क्योंकि चैप्टर आपके लगभग मिलते जुलते हैं, आप इसमें अडेप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं, हमने क्या क्या अडप्ट किया हुआ है, तो लगभग इन दोनों से मिला के लगभग यहाँ से भी आपके 4 to 5 क्वेश्चन का क्राइटेरिया देखा जाता है। ठीक है, तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कौन कौन से हमारे पास है। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट वन जो फोकस करना है रिप्रोडक्शन, इस बार के टॉपिक में प्लांट के बारे में डिस्कस करना है बेसिकली। साइटोलॉजी में देखें तो हमें क्या डिस्कस करना है, ज़्यादा जो फोकस करना है वो चैप्टर सेल को डिस्कस करना है, जहाँ से क्वेश्चन बिल्डअप होने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें ह्यूमन हेल्थ डिजीज़, माइक्रोब्स के बारे में, पैथोजन के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। एंड जेनेटिक्स इज द वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट क्यूरियस टॉपिक्स, इसको आपको पढ़ना होता है। ठीक है, एंड फाइनली वी हैव द इवोल्यूशन एंड द मॉर्फोलॉजी, इसके बारे में आपको डिस्कस